नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइटिका के दर्द के बारे में। आखिर साइटिका का दर्द क्यों होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसमें आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए और उसमें आपको कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा रहेगा, इसे अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं साइटिका के दर्द के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइटिका का दर्द क्या होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक साइटिक नाम की एक नस होती है, जो एक सबसे लंबी नस है, जो कमर से शुरू होती है और उसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो कमर से स्टार्ट होकर दो पार्ट में डिवाइड होती है, दोनों पैरों से पास होकर यानी कि हिप से पास होकर वो बाद में थाइस पर जाती है और उसके बाद काउस मसल पर और उसके बाद फुट पर, दोनों पंजों पर जाती है। तो इस तरह से साइटिक नर्व कमर से लेकर पंजों तक सप्लाई करती है। जब ये नस में किसी भी कारण से चोट या फिर किसी बाहरी दबाव के कारण से जब ये नस पर दबाव पड़ता है, तब हमें साइटिका का दर्द होता है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि साइटिका का दर्द होने के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारण है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन क्या होता है? तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक के ऊपर एक यानी कि इस तरह से जमी हुई है। तो उस वो जो हड्डियां है एक के ऊपर एक, वो दो हड्डियों के बीच में क्या है, एक डिस्क होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये जो डिस्क है वो किसी भी कारण से जब बाहर निकल जाती है, यानी कि ये दो हड्डियों में से ये बाहर निकल जाती है, यानी कि खिसक जाती है उसकी जगह पे से। तो जब बाहर निकल जाती है तो उसकी वहां से जो है वो साइटिक नर्व पास हो रही है, तो वो जो साइटिक नर्व पे वो प्रेशर डालती है। तो डिस्क जो है वो साइटिक नर्व पे प्रेशर डालती है और उसकी वजह से क्या होता है, साइटिका का दर्द हो सकता है। दूसरा देखें तो बोन्स पर, बोन्स पर में क्या होता है, जो हड्डी होती है उसका एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, तो उसको बोन्स पर कहा जाता है। तो उस एक्स्ट्रा ग्रोथ के कारण क्या होता है, साइटिक नस वहां से जा रही है तो उसमें दबाव पड़ता है। तो तीसरा कारण है ट्यूमर। ट्यूमर यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है आपकी हड्डी में कहीं भी, तो उसके कारण क्या होता है, आपके जो साइटिक नर्व है उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है। चौथा कारण देखें तो एज। जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो दो डिस्क, दो जो हड्डियां हैं वो एक के ऊपर एक आई हुई है, तो ये जो दो हड्डियों के बीच की जो जगह है जहाँ पे डिस्क है वो जो जगह है वो कम होती जाती है, यानी कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो इस तरह से जगह कम हो जाती है जो दो हड्डियों के बीच में, तो डिस्क के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर की वजह से साइटिक नर्व पे भी प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण भी साइटिका का दर्द हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो मोटापा में क्या होता है कि आपके शरीर का वजन ज्यादा होने के कारण वो नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट देखें तो प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके शरीर का वजन बढ़ता है तो उसके कारण भी आपको साइटिका का दर्द हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम ये देख लेते हैं कि साइटिका के दर्द में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है दर्द यानी कि पेन। पेन आपको होगा कमर से लेकर, यानी कि जहां जहां से नस जा रही है वहां वहां पे आपको दर्द होगा, यानी कि पेन अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व। तो पेन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कमर से स्टार्ट होगा, उसके बाद बटक्स तक, उसके बाद थाइज में और उसके बाद फीट तक, इस तरह से वो शुरू होके नीचे तक जाएगा पेन। नेक्स्ट देखिए तो आपको जो ये पेन है वो करंट जैसा लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है हमारे शरीर में से, ऐसा आपको महसूस होगा। नेक्स्ट देखिए तो आपको नमनेस लगेगी, यानी कि पांव सुन्न पड़ गया है ऐसा लगेगा। अधिकतर जो ये साइटिका है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा देखा जाता है, तो आपको लेफ्ट साइड में ऐसा लगेगा कि पांव सुन्न पड़ गया है या फिर आपको पांव में भारीपन लगेगा, तो इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपको लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े रहने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखें तो आपको झंझनाहट जैसा लगेगा, भारीपन लगेगा, आपको चलने में दिक्कत होगी, तो ये सारी चीजें आपको साइटिका के दर्द में देखने को मिलती है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि साइटिका के दर्द को आप पहचानेंगे कैसे।
तो इसके लिए डॉक्टर्स जो है वो एक्सरे और एमआरआई करवाते हैं, इससे उनको पता चलता है कि कहाँ पे नस दब रही है। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका 200, इसको आपको सुबह में 2 बूंद लेना चाहिए। दूसरी है हाइपेरिकम 200। दोस्तों जो हाइपेरिकम मेडिसिन है वो सभी तरह के जो नस के लिए, पेन के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। कोई भी नस में दिक्कत हो रही हो तो हाइपेरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको आप सुबह में 2 बूंद ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है कोलोसिंथ 30। कोलोसिंथ 30 को आपको 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लेना है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइडेड साइटिका ज़्यादा देखा जाता है। जिन लोगों को लेफ्ट साइडेड साइटिका ज़्यादा हो, यानी कि लेफ्ट पाँव में आपको ज़्यादा दर्द हो रहा हो, लेफ्ट साइड अफेक्टेड हो, उनके लिए कोलोसिंथ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और उनको प्रेशर से अच्छा लगता हो, यानी कि दबाते हो पाँव तब अच्छा लगता हो, और अगर गर्म सेक करते हो तब अच्छा लगता हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट देखें तो रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 में क्या होता है कि आपको जो दर्द है साइटिका का वो रात को दर्द होगा। जिन लोगों को साइटिका का दर्द रात को होता है उनके लिए रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और रस्टॉक्स जो है वो बारिश के मौसम में, बादल हो रहे हो, इस तरह के मौसम में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो रस्टॉक्स 200 को आप सुबह शाम 2-2 बूंद ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, यानी कि कौन कौन सी आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, आप अगर मोटे हैं यानी कि ओबेसिटी है आपको, तो आप आपका वजन ज़रूर कम करें, तो इससे आपको साइटिका के दर्द में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं ज़रूर डालूंगी, तो आपको उसको देख के ज़रूर थोड़ी टिप्स मिलेगी। दूसरा देखें तो आप जो सोने के लिए बिस्तर यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट यूज़ करें, यानी कि जो गद्दा है आपका वो सॉफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो सोते टाइम आप लेफ्ट या राइट साइड करवट लेके सोएं, सीधे ना सोएं। नेक्स्ट देखें तो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े ना रहें या फिर लंबे समय तक बैठे ना रहें। अगर आप थोड़ी देर बैठे हैं तो थोड़ी देर खड़े होकर घूम के आएँ, टहल के आएँ कहीं भी, और लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े ना रहें, यानी कि बीच बीच में रेस्ट करते रहें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखें तो आप जिंजर है, टर्मरिक, हल्दी का सेवन ज़्यादा करें। ये जो चीज़ें हैं वो एंटी इंफ्लामेटरी होती है, यानी कि वो सूजन को कम करती है, तो ये सब चीज़ों से आपका दर्द ज़रूर कम होगा। नेक्स्ट देखें तो प्रोटीन का इंटेक जो है वो कम करें, यानी कि प्रोटीन वाला जो खाना है वो कम खाएं, और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाएं, यानी कि कार्ब्स का सेवन ज़्यादा करें। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। धन्यवाद।